मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम देखते हैं राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत पूर्वी राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह है ई लेक्चर बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के विद्यार्थियों हेतु है। लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज यह लेक्चर 4 है। मैं बल्लूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि भूआकृतिक प्रदेश है वो मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतमाला प्रदेश, तीसरा हाड़ौती का पठार और चौथा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पिछले 3 ई लेक्चर के अंतर्गत हम 2 भूआकृतिक प्रदेशों का विश्लेषण कर चुके हैं, जिनमें पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे 2 ई लेक्चरों के अंतर्गत विश्लेषित किया है। तीसरे ई लेक्चर में अरावली पर्वतमाला प्रदेश को विश्लेषित किया है। आज हम देखते हैं तीसरा भूआकृतिक प्रदेश, लेक्चर 4, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम राजस्थान के मानचित्र में भी भूआकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत इसे दर्शाते हैं। जो आपको रेड गोले के अंतर्गत जो दिखाई दे रहा है, ये पूर्वी राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश भूभाग है। अब विस्तार से इसका मुख्य बिंदुओं के आधार पर हम विश्लेषण देखते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में विस्तृत है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भौगोलिक जो विस्तार है वो मुख्य रूप से इन जिलों में पाया जाता है। यह उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर, अर्थात अलवर, भरतपुर से लेकर के डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक एक पट्टी के रूप में अभ्यय तंत्रों के क्षेत्र का या उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र का भूभाग है। इसलिए इस मैदानी प्रदेश को यदि नदी बेसिन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला तथा हाड़ौती के पठार के मध्य विस्तृत है, जो कि राजस्थान राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर भौगोलिक रूप से विस्तृत है। इस मैदान की दक्षिण पूर्वी सीमा बिंध कगार द्वारा बनती है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि पश्चिम में इसकी जो सीमा है अरावली पर्वतमाला प्रदेश से, अर्थात अरावली श्रेणी से बनती है। और अरावली श्रेणी भारत के अंतर्गत मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है, जिसकी वजह से अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई इसी मैदान से अपना अपव्यय क्षेत्र बनाती है। और अपव्यय क्षेत्र बनाने के बाद गंगा एवं विभिन्न नदियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरा तथ्य ये भी है कि अरावली पर्वतमाला है ये 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा द्वारा इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की भौगोलिक सीमा भी निर्धारित करती है। वहीं दक्षिण पूर्वी सीमा की ओर देखें तो बिंध कगार द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है, अर्थात हाड़ौती का जो पठार है उसके अंतर्गत ही एक खड़ा किनारा है जिसे हम बिंध कगार के नाम से जानते हैं। और यह बिंध कगार ही दक्षिण पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम मुख्य रूप से 3 उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि नदियों के जो अपव्यय क्षेत्र है, नदी बेसिन है, उन्हीं के आधार पर हम इसे विभाजित करके अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बेसिन और तीसरा है छप्पन का मैदान। अब हम एक एक करके इनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले लेते हैं चंबल बेसिन। चंबल बेसिन
यह चंबल नदी के अबाय क्षेत्र के अंतर्गत है, अर्थात यूँ दूसरे शब्दों में कहें कि चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का जो अबाय क्षेत्र है वो चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से कोटा का पूर्वी भाग, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंतर्गत आता है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि वैसे चंबल का जो मुख्य भाग है वो हाड़ौती के पठार में भी प्रवाहित होता है, लेकिन हाड़ौती के पठार में प्रवाहित होने के बाद में इसी मैदान से प्रवाहित होती हुई यह यमुना नदी में इटावा के पास जाकर के, उत्तर प्रदेश में इटावा है उसके पास जाकर के मिलती है। चंबल तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई कछारी मिट्टी से निर्मित मैदानी भूभाग चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है, जो कि कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र अवनालिका अपरदन से बुरी तरह ग्रस्त है, क्योंकि विभिन्न जो नदियाँ हैं, छोटे नदी नाले हैं, वो सहायक नदियों के रूप में, नालों के रूप में चंबल में आकर गिरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ, वनकेनी और मिट्टी का अपरदन होता है। इसी वजह से ये अवनालिका अपरदन कहलाता है, और अवनालिका अपरदन से ग्रस्त होने के कारण इस क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति विकसित होती है, जिसे उत्खात भूमि या बेड लैंड के नाम से जाना जाता है, और इसी कारण यहाँ पर इस क्षेत्र को बीहड़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आबादी का बहुत ही, या तो है ही नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में यहाँ पर आबादी पाई जाती है, और बीच बीच में छोटी छोटी घाटियाँ भी इस चंबल बेसिन के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं बनास बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश के इस भूभाग में बनास नदी के अबाय क्षेत्र को मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी ऊंचाई औसतन समुद्र तल से 150 से 300 मीटर है। इसमें बनास की अनेक सहायक नदियां भी प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। सवाई माधोपुर से के पास खंडार जो उपखंड है, तहसील है, उसी के पास में यह रामेश्वर नामक स्थान है, वहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है, जिसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर सीप, बनास और चंबल तीनों का संगम है। इस मैदान को बनास नदी ने दो भागों में विभाजित किया है, ऊपरी मैदान एवं निम्न मैदान। ऊपरी मैदान को करौली मालपुरा का मैदान कहा जाता है, जबकि निम्न मैदान अर्थात बनास नदी से दक्षिण का जो भूभाग है उसे मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। मुख्य रूप से यदि छप्पन के मैदान का विश्लेषण या भौगोलिक क्षेत्र हम देखते हैं कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो माही नदी है उसके जो उसका भूभाग है, अबाय क्षेत्र है, उसे ही छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में दो तथ्य हमारी भौगोलिक पुस्तकों में देखने को मिलता है कि एक तो छप्पन का मैदान इसका इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर छप्पन नदी नालों का समूह है। दूसरा तथ्य यह भी दिया जाता है कि यहाँ पर छप्पन ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण ही इस क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। इस छप्पन के मैदान को मध्यमाही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने देखा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत जो उप विभाग है चंबल बेसिन, बनास बेसिन और छप्पन का मैदान। तो हम आशा रखते हैं कि आप सभी को आज पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो स्थलाकृतियाँ हैं, भूआकृतिक प्रदेश हैं और भूआकृतिक में पाए जाने वाली विशिष्ट स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में विस्तार से समझ विकसित हुई होगी। आप सभी को धन्यवाद।